दोस्तों, अगर आप नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, एफकेट, सीडीएस या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी अपनी तैयारी को अनअकैडमी के साथ कर सकते हो, फ्री और प्लस के साथ। यहाँ पर दोस्तों आपको डेली जो है फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सारे के सारे इंटरेक्टिव सेशन है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा, टेस्ट सीरीज और क्विजेज आपको देखने को मिलते हैं, अनअकैडमी चैंपियनशिप लीग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एजुकेटर्स की लिस्ट जो है देख सकते हैं, ये जो है बेस्ट एजुकेटर हैं दोस्तों एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में। यहाँ पर आपको हर कैटेगरी में अलग अलग होते हैं, जैसे सीडीएस और एफकेट में अलग एजुकेटर आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हो, हर एजुकेटर आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्पेशल क्लास लेकर आता है। यहाँ पर दोस्तों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस भी एजुकेटर की आप क्लास को अनलॉक करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप किसी भी एजुकेटर की स्पेशल क्लास को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप सिंपल जो है प्रोमो कोड यूज कीजिएगा इंडियन, और इसकी मदद से आप किसी भी एजुकेटर की क्लास को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप प्लस बी परचेज करना चाहते हैं तो आप सभी दोस्तों इसी प्रोमो कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये डिस्काउंट दोस्तों केवल 1 फरवरी तक है, इसके बाद ये डिस्काउंट रिड्यूस होकर केवल 5% हो जाएगा। सो अगर आप प्लस लेने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है कंसिडर कर सकते हैं, और ये जो है इंडियन मेरा प्रोमो कोड है। थैंक यू सो मच। सभी को पता है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो वर्क असिस्टेंट की पोस्ट थी दोस्तों, उन पर जो है 21 फेब को जो है एग्ज़ाम आपका लिया गया था, एक शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, और अब आप सभी को इच्छुकता है दोस्तों कि इसकी कट ऑफ आखिरकार कितनी जाएगी। दोस्तों बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये जो है एक 10th पास पोस्ट थी, जिसमें दोस्तों दो स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर दोस्तों स्टेज वन आपका जो है एग्ज़ाम हो चुका है, इसके बाद जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट स्टेज टू के लिए। सो यहाँ पर जो मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा वो स्टेज टू के लिए बताऊंगा दोस्तों, कि कितनी कट ऑफ आखिरकार आपकी जा सकती है। सो यहाँ पर दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊँगा कि इसका जो रिजल्ट है वो आखिरकार कब तक आएगा। सो दोस्तों वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखते रहेगा, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं भाई इसकी कट ऑफ की। सो कट ऑफ को बताने से पहले दोस्तों, कट ऑफ तो आप सभी देख ही, लेकिन मैं एक रीजन भी बताना चाहता हूं कि किस बिहाफ पर मैंने जो है ये कट ऑफ दी है। सबसे पहला जो रीजन है दोस्तों वो है पेपर वाज वेरी इजी। जो पेपर है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इजी आया था, बहुत ही ज़्यादा इजी। जैसे दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे कि मतलब महाराष्ट्र की कौन सी सिटी जो है रेसलिंग के लिए फेमस है, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी मतलब से कौन सा रोग होता है, भारत किसके साथ जो है सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है किस देश के साथ, साथ ही साथ दोस्तों हैदराबाद में जो है चार मीनार स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो यहाँ पर कट ऑफ बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और जो है लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट की मैंने कटिंग ली है, जैसे कि आप देख सकते हो 1/2019 R2 ये आपका पेपर था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो 2019 में मतलब 7/2019 में इसके फॉर्म निकले थे और 2021 में इसका एग्जाम हो रहा है। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पोस्ट का नाम था वो था भाई वर्क असिस्टेंट, जो ग्रुप सी है दोस्तों, ग्रुप सी के अंदर ही आता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए दोस्तों 74 वैकेंसी थी, 74 वैकेंसी थी दोस्तों, और यहां पर एससी के लिए केवल एक वैकेंसी है, एसटी के लिए केवल एक वैकेंसी है दोस्तों, अनरिजर्व के लिए 8 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। सो यहां पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो है ओबीसी की, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट भी दोस्तों किसके हैं, ओबीसी के ही थे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट ओबीसी के हैं। सो यहां पर डेफिनेटली आप सभी को पता है ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी दोस्तों, एज कंपेयर टू अनरिजर्व एंड एज कंपेयर टू एससी एंड एसटी। यहां पर एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व को भी पीछे छोड़ने वाले दोस्तों, ये आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे 10th पास जो है जॉब थी। सो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी कट ऑफ की, तो मैंने आपको एक रीजन भी बता दिया है। सो कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर ये जो सबसे पहली कट ऑफ है ये जर्नल और ईडब्ल्यूएस की है, जर्नल और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों 140+ मार्क्स रहेगी भाई, डेफिनेटली दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन थे दोस्तों 150 मार्क्स के थे, और यहाँ पे 1 मार्क की दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी थी दोस्तों, यहाँ पे 1 मार्क की, ये भी आप ध्यान रखना। सो यहाँ पर दोस्तों बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने 50 के 50 जो है मतलब क्वेश्चन किए थे, लेकिन दोस्तों एक दो क्वेश्चन हरेक का गलत मिलेगा भाई, हरेक का एक दो क्वेश्चन गलत मिलेगा दोस्तों, भले ही पेपर इजी हो, लेकिन टाइम भी यहाँ पे 1 घंटे का था, और मतलब
क्वेश्चन जो है मतलब आप कह सकते हो ना कि सारे के सारे तो ठीक नहीं हो सकते, बाकी ऐसे भी मिलेंगे जिनके सारे के सारे ठीक हैं, लेकिन जो मोस्ट की एक्यूरेसी थी दोस्तों वो 40+ थी। 40+ कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, और आप सभी को पता है यहाँ पे वैकेंसीज के मतलब जो 74 वैकेंसी हैं इसकी आप मान के चलिए कि 5 गुना जो है कैंडिडेट को ही लिया जाएगा, लगभग 5 गुना कैंडिडेट को ही जो है इसके लिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होगा दोस्तों स्टेज टू के लिए 5 × 20, 5 × 7 = 35 और 2 = 37, यानी 370 370 के नियर अबाउट जो है लिया जाएगा दोस्तों। अप्रोक्सीमेट जो कैंडिडेट होंगे वो 370 के नियर अबाउट जो है लिए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। सो यहाँ पर दोस्तों ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी भाई वो रहेगी दोस्तों 138 से लेके 140 मार्क्स के बीच। अब इसमें 2-3 नंबर ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं सभी में। एससी की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है भाई, आप देख लेना। सिमिलरली दोस्तों एसटी की भी जो है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। सो ये मेरे अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ है दोस्तों, सेफ स्कोर है स्टेज टू के लिए। आप सभी ने एग्जाम दिया था दोस्तों, तो आप भी मेरे को बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग जो है क्या कट ऑफ रह सकती है। बाकी दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है भाई, पेपर बहुत ज्यादा इजी आया था, जो कैंडिडेट है भाई जिन्होंने पढ़ा था वो इजीली 48+ स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो भी जो है नियरली 40+ जो है स्कोर कर सकते हैं। सो यही डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। सो आप सभी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। रिजल्ट के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, रिजल्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका जो रिजल्ट है वो मार्च में आ जाएगा भाई, मार्च में आ जाएगा, मार्च या फिर अप्रैल में, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल लेगा, क्योंकि दोस्तों अब थोड़ा सा मतलब क्विक होने लग गया है और एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था दोस्तों। और कट ऑफ का जो एक रीजन है दोस्तों वो है वेरी नंबर, मतलब जो प्रेजेंट थी दोस्तों, जो प्रेजेंस थी कैंडिडेट की वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, जो प्रेजेंट थी दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम कैंडिडेट एग्जाम देने आए थे। अगर मैं एक रूम की बात करूँ तो जिन्होंने एग्जाम दिया था मैंने उनसे भी बात की थी कि एक कमरे में दोस्तों 50 से 60 कैंडिडेट की सीटिंग थी, लेकिन वहां पे मात्र 5 या 6 कैंडिडेट ही अवेलेबल थे, मात्र 5 या फिर 6 कैंडिडेट ही जो है अवेलेबल थे दोस्तों वहां पे। सो मतलब जो प्रेजेंट है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम थी, मतलब 40 से 45% कैंडिडेट ही एग्जाम देने आए थे। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट थे वो आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो दोस्तों 1,20,000 कैंडिडेट ने आवेदन किया था, लेकिन 50,000 के नियर अबाउट कैंडिडेट ही जो है परीक्षा देने पहुंचे थे। सो ये रीजन है दोस्तों कट ऑफ जिस पर मैंने डिसाइड की है। आपकी क्या राय है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बार्क से रिलेटेड जो है अपकमिंग अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।